वेलकम दोस्तों, आज बात करेंगे टीबी में होने वाले एक जांच मानटूक्स टेस्ट के बारे में, किसको कैसे करना है, इसके रिजल्ट को कैसे समझना है, फाल्स पॉजिटिव या फाल्स नेगेटिव कब आता है और क्या सावधानी रखने की ज़रूरत होती है, इन सब विषयों पे बात करेंगे। और अगर किसी ने मानटूक्स टेस्ट कराया है उसका क्या मतलब होता है वो सब भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मानटूक्स टेस्ट या इसको PPD टेस्ट भी बोला जाता है या ट्यूबरकुलिन सेंसिटिविटी टेस्ट भी बोला जाता है, ये बेसिकली ट्यूबरकुलोसिस के स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस के काम में आता है। अब टीबी क्या है, शरीर के अलग अलग हिस्सों में हो सकती है, जैसे फेफड़े की टीबी देखना आसान है, स्पुटम से देख सकते हैं, छाती के एक्सरे देख सकते हैं, सिटी स्कैन देख सकते हैं। ऐसे शरीर में बहुत सारे हिस्से होते हैं जहाँ पर टीबी हो जाती है लेकिन पता नहीं चलता कि है कि नहीं है, बस कुछ लक्षण आते हैं जैसे कि बुखार का आना, भूखना लगना, अब वजन का कम होना, हल्का हल्का बुखार बने रहना, उस केसेस में हम लोग ये सस्पेक्ट करते हैं कि इस व्यक्ति को टीबी हो सकता है। उस केसेस में ये ट्यूबरकुलिन टेस्ट एडवाइज करा जाता है या मानटूक्स टेस्ट एडवाइज करा जाता है। तो बेसिकली ये टेस्ट है क्या, इसमें टीबी का जो बैक्टीरिया है उसी का जो प्रोटीन है इंजेक्ट करा जाता है पेशेंट के अंदर, और अगर किसी व्यक्ति को टीबी का एक्सपोजर पहले हो चुका है, चाहे वो किसी रूप में हुआ हो, चाहे उस व्यक्ति इस समय करंट में टीवी चल रही हो या पहले एक्सपोजर हुआ है लेकिन बैक्टीरिया डारमेंट फेज में उसके शरीर के अंदर है, उस केसेस में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आ जाती है, वो जो हम प्रोटीन इंजेक्ट करने वाले हैं पेशेंट के अंदर उसके अगेंस्ट में। और अगर किसी ने BCG का वैक्सीनेशन लगवा रखा है उस केसेस में भी ये पॉजिटिव आ जाता है। तो ये कोई एकदम ऐसा स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है कि अगर पॉजिटिव आ गया इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को टीबी हो ही गया है। एक ये अंदाज़ा बताता है कि पेशेंट को टीबी के बैक्टीरिया से एक्सपोजर पहले हो चुका है और उसके बेसिस पे, फिर उसके लक्षणों के बेसिस पे, फिर उसके दूसरे जो सपोर्टिव एविडेंस है उसके बेसिस पे फिर ये डिसीजन लिया जाता है कि इस व्यक्ति को टीबी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये तो बात हो गई ये क्यों करा जाता है, क्या इंडिकेशन है, बेसिकली टीबी के स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। इंडिया जैसे कंट्री में अभी भी काफ़ी यूजफुल है क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग हाई रिस्क जोन में आता है अपना देश, बहुत ज़्यादा प्रिवलेंस है। जब ज़्यादा प्रिवलेंस होता है उस समय ये ट्यूबरकुलिन टेस्ट का या मानटूक्स टेस्ट का इम्पॉर्टेंस है, मतलब बढ़ जाता है। अब कैसे करना है इसकी बात करें तो इसके लिए ट्यूबरकुलिन रिएजेंट आता है, PPD रिएजेंट आता है, प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स आता है। ये दो तरीके के आता है, एक PPDS होता है और एक PPD RT23 होता है। इस बात को थोड़ा सा समझेंगे जो बच्चे लैब में काम करते हैं। और इसकी अलग अलग स्ट्रेंथ का आता है, 2 ट्यूबरकुलर यूनिट, 5, 10 ट्यूबरकुलर यूनिट और 1 ट्यूबरकुलर यूनिट का भी आता है। तो 1, 2, 5 एंड 10 का आता है। यूजली जो हम RT23 वाला PPD यूज करते हैं वो 2 ट्यूबरकुलर यूनिट का यूज करना है, और इस तरह की इंसुलिन सिरिंज होती है उसमें लेना है। कितना लेना है, 0.1 ml, हमेशा ध्यान रखना 0.1 ml लेना है इंसुलिन सिरिंज की। इंसुलिन सिरिंज भी अलग अलग ml की आती है, कोई 1 ml की आती है, कोई 0.3 ml की आती है, कोई 0.5 ml की आती है, उस पर भी स्पेशली ध्यान देना है क्योंकि इंसुलिन की जो सिरिंज होती है उसमें मार्किंग ml से नहीं होती। बहरहाल 0.1 ml लेना है 2 ट्यूबरकुलर यूनिट वाला, और उसको हमारा जो पेशेंट है उसका बायां हाथ है, ये जैसे बायां हाथ है, ये बाएं हाथ के जो सामने की सरफेस है फोरआर्म की उस पे लगाना, बेसिकली जो रिस्ट और एल्बो के बीच की जगह पे है, यहाँ पे ऐसे एक गोला लगा लिया क्योंकि पेशेंट को ये इंस्ट्रक्शन देना है कि इसको आगे 2 दिन तक उसको ना रगड़ना है ना तो धुलना है। तो ऐसा यहाँ पे गोला लगा के फिर इसको इंट्राडर्मल देना है, मतलब जो रिएजेंट लिया है कंपनी ने प्रोवाइड करा है उसका 0.1 ml इसके स्किन को लिफ्ट करके डर्मिस के अंदर डालना है, अंदर ना तो मसल में डालना है, ना तो वेंस में डालना है, ना तो सबक्यूटेनियस डालना है, नहीं तो इससे ज़्यादा रिएक्शन हो जाएगी अगर जस्ट स्किन के नीचे डाल दिया। तो उतने एरिया में 0.1 ml इन्फिल्ट्रेट करके मार्किंग कर देते हैं। अब पेशेंट को 48 से 72 घंटे के बीच में रीड करना होता है, 2 से 3 दिन के बीच में, जैसे कि आज 12 बजे दिन में अगर इंजेक्ट करा है तो कल नहीं परसों 12 बजे के बाद उसको बुलाइए और जो रिएक्शन हुई है उसको देखना। रिएक्शन दो तरीके से हम रीड करते हैं या दो चीज़ें बेसिकली दिखती है, एक तो होती है थिकनिंग जिसको इंडोरेशन बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा रेज्ड एलिवेशन मिलेगा, वहाँ पे कलेक्शन हो जाता है इन्फ्लेमेटरी सेल्स का, एडिमा का। तो जो इंडोरेशन है उसको देखना, रेडनेस को नहीं देखना। कई बार रेडनेस थोड़ी आगे तक रहती है, लालपना थोड़ा आगे तक चला जाता है जहाँ पे इंजेक्शन रहता है, तो सिर्फ हमें इंड्यूरेशन को ही देखना रहता है। तो अब रिजल्ट को कैसे नोट करना है और कैसे इंटरप्रिटेशन करना है,
तो रिजल्ट में अगर जहाँ पे आपने इंजेक्शन लगाया था वहाँ पे कोई सूजन नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब कि निगेटिव है, रिजल्ट निगेटिव है। इस व्यक्ति को टीबी के बैक्टीरिया का एक्सपोजर कभी नहीं हुआ है पहले, ना तो उसको अभी टीबी है, ना तो डारमेंट स्टेज में है टीबी। ये चीज़ें पता चलती हैं, मतलब कि रिजल्ट निगेटिव। अगर कुछ नहीं आया तो जहाँ पे इंजेक्शन लगाया था अगर वहाँ पे कुछ नहीं आया तो निगेटिव है। जो पेशेंट है वो भी जान ले कि इंजेक्शन लगने के बाद 2 दिन बाद अगर कुछ भी नहीं हुआ तो निगेटिव है, लेकिन अगर वहाँ पर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, इंडोरेशन आ जाता है, तो उसको हमें फिर नोट करना होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों लाइन में नोट करके फिर रिपोर्ट में मेंशन रहता है कि इस वाली हॉरिजॉन्टल इतना है, वर्टिकल, तो मैक्सिमम जो लेंथ होती है उसको मेज़र किया जाता है। अब अगर इसके पॉजिटिव होने या नेगेटिव होने की बात करें तो अगर इंड्यूरेशन आ रहा है इसका मतलब तो पॉजिटिव है। अब अलग अलग जो व्यक्ति हैं अलग अलग उसका इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि एक ऐसी जाँच नहीं है कि जिससे 100% बोला जाए कि ये पॉजिटिव आ गया, मतलब किसको टीबी का इन्फेक्शन है। तो यूजली जो पॉजिटिव हम लोग बोलते हैं कि मोर देन 10 mm आता है तो वो पॉजिटिव कंसीडर करा जाता है, लेकिन अगर मोर देन 5 mm भी आ रहा है तो कुछ केसेस में उसको भी हम पॉजिटिव कंसीडर करना पड़ता है। जैसे कि अगर कोई इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड है, जैसे कि स्टेरॉइड का इंजेक्शन चल रहा है या HIV का इन्फेक्शन है, इस तरह के केसेस में वो भी पॉजिटिव में कंसीडर होगा, या तो हाई रिस्क ग्रुप में कि उसके घर में कोई टीबी का पेशेंट है और ये इसको भी कुछ लक्षण है और साथ में मानटोक्स टेस्ट आ गया 5 mm से ज़्यादा है, उस केसेस में ये भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो वैसे 10 mm से ज़्यादा को हम पॉजिटिव मानते हैं। बहरहाल जैसा कि शुरू में मैंने बताया कि बाकी जांचों के साथ इसको हमें कंसीडर करना पड़ता है, तब जाके फिर टीबी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ता है। अब बात करते हैं इसके फाल्स पॉजिटिव होने के और फाल्स निगेटिव। फाल्स पॉजिटिव मतलब कि टीबी नहीं है फिर भी रिजल्ट मानटोक्स टेस्ट में पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए जानना जरूरी है कि इसलिए जैसे कि मैंने बताया कि पॉजिटिव रिजल्ट आना मतलब हर बार टीबी होना ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक बस ये अंदाज़ा बताता है। तो अगर जैसे किसी को BCG का वैक्सीन लगा हुआ है, जो कि टीबी का वैक्सीन होता है, जन्म के तुरंत बाद लगता है, अगर वो किसी के बच्चे में लगा है तो फाल्स पॉजिटिव आ सकता है। फाल्स पॉजिटिव तब भी आ सकता है कि अगर नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया अगर कोई है उससे भी फाल्स पॉजिटिव आ सकता है, या किसी व्यक्ति को हाइपर सेंसिटिविटी है, वो जो इंजेक्शन किया है हमने उससे नहीं बल्कि उसके कंपोनेंट से है हाइपर सेंसिटिविटी, उस केसेस में फाल्स पॉजिटिव आ सकता है। और अगर कोई पेशेंट जहाँ पे इंजेक्शन लगाया है वहाँ पे खुजली वगैरह कर देता है उस केसेस में भी फाल्स पॉजिटिव आ सकता है। तो ये तो इसका ड्रॉबैक है। और ऐसे ही फाल्स निगेटिव मतलब टीवी का इन्फेक्शन है फिर भी इसमें रिजल्ट निगेटिव आता है, तो ऐसा तब हो सकता है जो पेशेंट है उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, उस केसेस में फिर इम्यूनो सप्रेसेंट स्टेट में पेशेंट को टीबी है तब भी मानटोक्स टेस्ट निगेटिव आता है। कोई स्टेराइड पे है या बहुत कमज़ोर है, माल न्यूट्रिशन है, या किसी को ट्रांसप्लांट हुआ है, या जैसे कि कुछ कैंसर हैं जैसे हाजकिन डिजीज हो गई है या सर्कॉइडोसिस वगैरह है, इन सब केसेस में फाल्स निगेटिव आता है। मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि ये एकदम स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, एक बस अंदाज़ा सा बताता है, मतलब अगर ये टेस्ट निगेटिव हो जाए इसका 100% मतलब ये नहीं होता कि टीबी नहीं है। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति को टीबी हो और ये टेस्ट निगेटिव बता रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति को टीबी ना हो बल्कि ये जो 3-4 कंडीशन मैंने बताई थी उस केसेस में पॉजिटिव दे सकता है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो अभी भी ये थोड़ा सा सस्ता टेस्ट है, 200 रुपये में हो जाता है, तो जो बहुत ही बेसिक लेवल की लैब है उसमें भी हो पाता है। तो ये तो बात हो गई मानटोक्स टेस्ट के बारे में।